थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर से हुई है। स्नातक मैंने सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है, आईआईटी कानपुर से। वर्तमान में सर मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी के पद पे कार्यरत हूँ समस्तीपुर अंतर्गत, जिसमें मेरा चयन 64वीं बीपीएससी के माध्यम से। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है। क्या होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी? सर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज माने कि सहकारी समिति वैसी समितियां होती हैं जिनमें सहकारिता के जो सिद्धांत हैं उस पर वो चलती हैं। उदाहरण के तौर पे उसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प की भावना होनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये सारी अगर उसमें सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं तो वो सहकारी समिति हो सकती है। कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में? सर स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? सर इसके लिए नई मिनिस्ट्री बनाई गई है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और उसके पहले? सर उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही इसका काम देखा है। कौन है मिनिस्टर अभी इसके? सर श्री अमित शाह। ओके ओके। अभी आपने जॉब में बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, ठीक है। उन सभी का आप यूज़, अगर आपका फिर से सिलेक्शन होता है बीएस में, कैसे यूज़ करेंगे उन एक्सपीरियंसेस का? सर सबसे पहले तो नेतृत्व करने की क्षमता जो है सर वो डेवलप हुई है कार्य करने से। सर उसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त सर संवाद स्थापित कैसे करना है लोगों के साथ ये सीखा है मैंने, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि सरकारी समितियों में चुने हुए जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं, उनसे हो चाहे आम जनता से हो, वो चीज़ सब मैंने यहाँ से सीखी है। इसके अतिरिक्त जो सर सरकारी कामकाज करने के दौरान अनुशासन या ईमानदारी आदि जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीज़ों का भी यहाँ पे प्रयोग होगा। अच्छा, और आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे जो मूल कार्य है सर वो सहकारी समितियों का निबंधन है सर, लेकिन इसके अतिरिक्त जितनी भी सहकारिता विभाग की योजनाएं हैं उनका अनुश्रवण भी सर हम लोग करते हैं। बिहार में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट किस तरह से खरीदती है? सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो सरकार खरीदती है वो है सर धान। लेकिन बॉडीज के थ्रू खरीदती है? जी सर। वो पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीदती है, जो कि नोडल डिपार्टमेंट्स और सहकारिता विभाग ही है इसके लिए सर। और इसके अतिरिक्त सब्जी वगैरह का भी सरकार खरीदती है। उसके लिए पीवीसीएस सोसाइटी, प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं सर, वो भी हम लोग के माध्यम से उसका किया जाता है सर। नाम क्या है? नाम सर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सर। किस तरह का मार्केट है सर? ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कृषि संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका वहाँ पे व्यापार होता है, जिसमें सर चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, सब्जियाँ भी हो सकती है। नहीं, ये किस तरह का मार्केट है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है? सर ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके संचालन के लिए ई-नाम का सर व्यवस्था की गई है। लेकिन ई-नाम के तहत सभी जितने भी हमारे बाजार हैं वो अभी तक उसके साथ समायोजन नहीं कर पाए। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? जब हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर तो किसी सॉइल के टेक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सर इसकी सम्यक जानकारी तो सर मुझे नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पे सर सॉइल टेक्सचर में उसका कलर देख सकते हैं, उसका पीएच देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देख सकते हैं, उसमें जो उसके तत्व हैं उनका आकार कितना है, जैसे वो सिल्ट है या ग्रेवल है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखी जा सकती है। और उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं सर ये भी। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के हो सकते हैं सॉइल के अंदर? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी सर न्यूट्रिएंट में सल्फर, और सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, बोरोन आदि होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का दो दो एग्जाम्पल दें मुझे। सर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर कंपाउंड होता है न्यूट्रिएंट्स। हाँ हाँ, कंपाउंड्स का जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आएंगे सर। जैसे सर यूरिया है तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, भले ही सर वो सिंथेसाइज केमिकली किया जाए लेकिन मूल रूप से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा। उसी प्रकार सर अगर उसमें डीएपी है, डाई एमोनियम फॉस्फेट। केमिकली यूरिया क्या है सर? यूरिया सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन उसे केमिकली उसको सिंथेसाइज किया जाता है। फॉर्मूला केमिकली यूरिया क्या है सर? सर उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको केमिकल नेम सर अभी याद नहीं है। फॉस्फोरस का हमारे बॉडी में क्या यूज है सर? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर एटीपी और एडीपी जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या है एटीपी सर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सर। रोल क्या है इनका सर? रोल ये है कि जो भी एनर्जी हम लोग के बॉडी में होती है वो एटीपी के माध्यम से ही खर्च होती है। उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज से जो है एडीपी से एटीपी बन जाता है। और दूसरा यूज फॉस्फोरस का सर बोन्स वगैरह में भी फॉस्फोरस। किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में सर? फॉस्फेट सर इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। ओके, और भी कुछ सर बॉडी में सर? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोरस होता है। जी सर होता है। न्यूक्लिक एसिड में सर एमिनो एसिड्स के फॉर्म में कई सारे एमिनो एसिड्स हैं जिसमें फॉस्फोरस सर हो सकता है सर। और सल्फर का क्या यूज है हमारे बॉडी में? सल्फर का सर प्रयोग बॉडी में सर कुछ एमिनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर होते हैं सर। कुछ, सभी में नहीं सर। सभी में सल्फर नहीं होता। सभी में नहीं, कुछ कहने का मतलब सर अभी ध्यान में नहीं आ। जैसे सर ट्राइफाइटोफैन करके है, और भी कुछ सर अमीनो एसिड सर मुझे ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट आजकल नीम कोटेड यूरिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्या रीजंस हैं इसके सर? नीम कोटेड यूरिया का सर के जो सकारात्मक पक्ष हैं सर कुछ ऐसे हैं कि यूरिया की जो सर कालाबाजारी होती है उसके ये उससे कम हो। क्यों होती है कालाबाजारी यूरिया की सर? यूरिया सर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो यूज हो सकता है इंडस्ट्रीज। किस चीज में, वही कौन सी इंडस्ट्री में सर? एग्रीकल्चर के अतिरिक्त सर यूरिया का प्रयोग सर अभी ज्ञात नहीं हो पा रहा है लेकिन एज अ केमिकल रिएजेंट ये प्रयोग होता है कई जगहों पे, तो उस वजह से इसकी कालाबाजारी हो जाती है। तो जब वो नीम कोटेड होगा तो उसका प्रयोग उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त और कृषि में भी सर इसका फायदा ये है कि जो गुणवत्ता है यूरिया की वो बढ़ जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त नीम मिक्स करने से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऐसा होता है सर? होता है सर ऐसा मैंने पढ़ा है कि जितना परसेंट यूरिया आमतौर पे एब्जॉर्ब होता है फील्ड में उससे ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उसमें नीम है तो एक प्रकार का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी सर उसमें एक आंसर रहेगा सर। ठीक है, और साथ साथ गवर्नमेंट नैनो यूरिया को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। जी। क्या है नैनो यूरिया सर? ये एक प्रकार का बहुत ही सराहनीय नवाचार है। नैनो यूरिया में सर ये हो रहा है कि यूरिया जो था उसमें कंपाउंड का साइज बड़ा होता है, नैनो यूरिया में नैनो स्केल में हो जाता है सर उसका साइज। तो ओवरऑल यूरिया जो है सॉलिड में जैसे 45 किलो का सर बोरी होता है और नैनो यूरिया वो आधे लीटर का सर वो लिक्विड हो जाता है। और सर इसके फायदे बहुत सारे हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन आदि में इससे फायदा होगा, दूसरा है कि सर यूरिया हम लोग फील्ड में बिछा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, लेकिन नैनो यूरिया जो है वो उसका छिड़काव हम लोग सीधे प्लांट पे करते हैं तो उससे काफी बचत होती है। और हाँ, और भी सर इसके जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं? सर ग्रीन हाउस गैसेज उनमें ये होता है कि सर जो लोअर वेवलेंथ के जो वेव्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने लगता है। हाँ, उसमें इफेक्ट नहीं, उनमें केमिकली कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं? सर सर क्या आशय सर ये है कि वो कुछ गैसेस होते हैं ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, उनमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? सर वो इन्वायरमेंट में स्टे कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि सर वो थोड़े स्टेबल कंपाउंड होते हैं तो वो स्टे कर सकते हैं सर इन्वायरमेंट में। अगर वो रिएक्टिव होते तो फिर वो उनका चेंज हो जाता, जैसे सर H2O है तो H2O भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो हम लोग के लिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि उसका परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रॉपर्टी का मैं नाम जानना चाह रहा हूँ जो कि H2O में नहीं है, ऑल्दो वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है बट दूसरी गैसेस में है। अभी अभी आपने कहा कि H2O हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, तो क्यों H2O नहीं है और दूसरे गैसेस हैं? एक केमिकल प्रॉपर्टी है वहां पे सर उसका। सर ओके, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। किसका सर? CO2। अच्छा, ठीक। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी सर? ये 1984 में। अच्छा, कौन सी कंपनी थी सर? यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी। और वो गैस क्या बनाती थी यूनियन कार्बाइड? सर सर गैस लीक हुआ था। नहीं वो बनाती है सर। हाँ हाँ सर वो कार्बाइड बनाती है। कार्बाइड का यूज क्या है, किस चीज के यूज के लिए वो कार्बाइड बनाती थी सर? इसका प्रयोग सर कृषि क्षेत्र में ये फल आदि पकाने के लिए सर प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। आपने कहा कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या यूरिया डाल करके जो एग्रीकल्चर उत्पाद तैयार किया जाएगा उसको ऑर्गेनिक उत्पाद के नाम से बेचा जाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर है लेकिन जो हम सिंथेसिस करते हैं वो केमिकली करते हैं, हैबर बेस्ड प्रोसेस ज्यादातर हम लोग साधारणतः प्रयोग में लाते हैं, तो सर उसे ऑर्गेनिक नहीं कहा जा सकता है। ऑर्गेनिक सर उन्हीं उत्पादों को कहेंगे कि जिसमें वैसे उत्पादों का प्रयोग हो जो ऑर्गेनिकली या नैसर्गिक रूप से ही तैयार किया गया। जैसे सर जैसे कि अगर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की जगह मैन्यूर का प्रयोग कर लिया जाए तो वो एक प्रकार पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के जगह पर मैन्यूर डालेंगे सर, प्रयोग किया जा सकता है सर। और उसके अलावा सर मैन्यूर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का काम क्या है सर? पेस्टिसाइड का काम है सर जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करना, इंसेक्टिसाइड का काम है सर इंसेक्ट को कंट्रोल करना। तो मैन्यूर के सर मैन्यूर से उसका क्या संबंध है? सर मैन्यूर सर न्यूट्रिएंट्स दे सकता है। और सर मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा सर। वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के जगह पे कुछ ऐसे नेचुरल इंटरवेंशन किया जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बढ़ावा दे फील्ड में जो कि जो नकारात्मक बैक्टीरिया हैं उन पे वो असर करें। या उत्पाद ऑर्गेनिक कह के हमको बेचना है तो कौन कौन चीज डालेंगे जिससे कि उसको ऑर्गेनिक बताएंगे और हमारे उत्पादन पर भी खराब प्रभाव नहीं पड़े? सर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इसमें मैन्यूर के अलावा सर वैसे कीड़ों का प्रयोग करें जो जो नकारात्मक। कैसा मैन्यूर डालेंगे सर? मैन्यूर में सर जैसे मल्चिंग के जो अपशिष्ट मिला उसको ले लिया सर, एनिमल वेस्ट ले लिया, इन सब चीजों का। मल्चिंग का जो अपशिष्ट मिलेगा उसको क्या कहा के कैसे तैयार करेंगे, आखिर उसको कैसे डाल देंगे आखिर? सर इसकी सम्यक जानकारी मुझे नहीं है लेकिन MSP एमएसपी का निर्धारण सेंट्रल का अधिकार है कि स्टेट का अधिकार है? सर एमएसपी का निर्धारण तो सर भारत सरकार का अधिकार है, लेकिन सर वो एक मिनिमम होता है, उससे ज्यादा राज्य सरकार दे सकती। अभी बिहार सरकार ने पैडी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है 23-24 के लिए, वो क्या है? सर 2183 पर क्विंटल है साधारण धान के लिए, और एक ग्रेड जो धान होगा उसके लिए 2,003 रुपए। नमी का क्या परसेंटेज रखा गया है? सर नमी सर जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है 16 सर वो परसेंट होता है कि मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसे हम लोग 16 बोलते हैं। जो उसका जो मीटर होता है सर उसपे 16 से कम होगा। किस चीज से नापेगा? पैक्स खरीदती है, उसके पास कौन इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पता चलेगा उसको? सर उसे हम लोग तो नमी मीटर ही, वो तो ठीक है, नमी मॉइस्चर मीटर सर यही नाम है उसका। सर हम लोग तो यही क्या है, वो है क्या सर? एक छोटी सी मशीन होती है सर, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल तो सर मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन उसमें एक कटोरी जैसा एक हिस्सा होता है जिसमें हम लोग धान डाल देते हैं और उसके बाद सर वो नमी बताती है। कैलोरी का टेक्निकल डिफिनेशन बताइए। सर कैलोरी सर हीट को सूचित करती है, और जहां तक से मुझे याद आ रहा है 13.5 डिग्री से 14.5 डिग्री अगर वाटर को हमने हीट किया। 13.5 डिग्री और 14.5 डिग्री का पैमाना क्यों फिक्स किया गया सर? इसकी सारी जानकारी है। हाँ ठीक है बोलिए क्या आप तो सर उसमें 13.5 डिग्री 14.5 डिग्री आप बता रहे हैं जी, 1 डिग्री जी क्या सर? वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे, जब उसका हीट 13.5 से 14.5 डिग्री होगा, उस दौरान जितना हीट एब्जॉर्ब होगा 1 लीटर वाटर पे और 180 प्रेशर पे सर उसी को। 1 लीटर वाटर का? आर यू श्योर? सर सर मैं गलत बोल गया सर। सर एक मुझे ध्यान नहीं है सर, शायद 1 ग्राम वाटर है सर। माफी चाहिए। हाफ लाइफ से क्या समझते हैं सर? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मतलब रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनका जो मात्रा है वो कम होती जाता है, तो जब मात्रा आधी हो जाए तो सर उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो क्या डिसइंटीग्रेट क्या करता है उसमें से? सर उसमें डिसइंटीग्रेट होके सर उसमें क्या होता है उसको हम पूछ रहे हैं, क्या चीज डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसमें से? मान लीजिए कि यूरेनियम है जी, क्या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा उसमें? सर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जी सर। किस चीज का न्यूक्लियस? सर यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, और उस प्रकार से उसके जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम का कोई खास न्यूक्लियस होता है क्या? न्यूक्लियस किसका होता है? न्यूक्लियस सर हर एटम का सर न्यूक्लियस होता है। यूरेनियम सर जैसे हुआ तो उसमें सर 92 प्रोटॉन्स होंगे सर, तो उसे हम लोग यूरेनियम। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा सर? 1 - 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम क्या है सर? कूलम सर चार्ज मापने का सर एक यूनिट है। किसको 1 कूलम कहें सर? ध्यान। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो भाप में कैसे बदल जाता है सर? सर उसमें लैटेंट हीट जो है जब वो उसको मिलता है, तो जैसे अगर 180 प्रेशर पे हम लोग वाटर बॉइल कर रहे हैं तो 100 डिग्री जैसे ही होगा तो उसमें लैटेंट हीट उसे मिलेगा और वो लिक्विड से गैस। उसी कारण से हो जाता है सर। हम तो बर्फ मान लिया कि है, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी भाप बदल जाएगा तुरंत सर? पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद सर। मेन चीज बताइए क्यों बदल जाता है, हमें पूछ रहे हैं सर। उसमें क्या है कि जैसे अगर वो लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एक मात्रा में उनके आसपास है आपस में, और जब हम लोग हीट देते हैं तो वो इंटरन्यूक्लियर फोर्स कम होते हैं। वो तो तरीका बता रहे हैं आपस में सर कैसे टूटा जी। नहीं हम पूछ रहे हैं कि क्यों बदल जाता है? पानी को जब गर्म किए तो भाप में क्यों बदल गया? सर इसकी जानकारी सर नहीं। आपका बक्सर घर है ना? जी सर। बक्सर से लेकर के कहलगांव तक गंगा नदी में कौन कौन पुल बना हुआ है और उसका नाम क्या है? सर इसकी सर संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन सर कुछ मुझे पुल याद है, जैसे कि दो बक्सर से यूपी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पे दो पुल बन गए हैं सर। एक पहले से 1990 में बना था, एक अभी बनकर तैयार हो गया, चालू है सर, दूसरा पुल भी चालू हो गया। नेक्स्ट उसके बाद सर यहाँ पे सर जेपी सेतु पुल हुआ, गांधी सेतु पुल हुआ सर। इसके बाद आगे बढ़ने पे सर सर ध्यान में नहीं आ रहा है। इस बीच में कोई पुल नहीं था? इस बीच में सर बक्सर और जेपी सेतु दोनों के बीच में कोई पुल नहीं है सर, जानकारी नहीं है। नेक्स्ट बताइए सर। उसके आगे सर बेगूसराय जाते समय, जाने से पहले सर एक पुल आता है सर, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सर उसके बाद सर ध्यान में नहीं, भागलपुर साइड में सर पुल है सर। ये जो पैक्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? सर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसमें चुनाव का क्या तरीका है? पैक्स का जो अध्यक्ष होता है कैसे चुना जाता है? सर इसके लिए सर 5 साल पे चुनाव होता है, और चुनाव के लिए सर सबसे पहले प्रबंध समिति जो है, तत्कालीन प्रबंध समिति, वो प्रस्ताव देती है सर जिला सहकारिता पदाधिकारी या सहायक निबंधक। वोटर लिस्ट का कैसे निर्माण होता है इसका? जी सर, जैसे जैसे प्रस्ताव जब वो भेजती है चुनाव के लिए प्रबंध समिति, तो फिर उसके लिए सर एक कार्यक्रम तय होता है, जिसमें ये होता है कि वोटर लिस्ट का सर तैयारी किया जाता है। उसमें सर 4 लिस्ट होते हैं। पहले में होता है कि जो पूर्व जो चुनाव हुआ वो लोग होंगे, दूसरा लिस्ट होगा कि जिनका नाम जोड़ा गया। नहीं, हमको कहने का मतलब है जो निर्वाचन आयोग का जो वोटर लिस्ट है वो रहता है कि ये कोई दूसरा लिस्ट है सर? ये चुनाव सर ये बिहार स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जो है प्राधिकार, उसी का सर लिस्ट होता है पुराने वाले चुनाव का, उसमें नाम नहीं। हम स्पष्ट बताइए कि जो चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किया उससे और इसका सर दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों भिन्न है सर। सर इसमें जो समिति के मेंबर्स हैं उन्हीं की मतदाता होंगे, और जो सर जो चुनाव आयोग भारत सरकार या बिहार सरकार के मेंबर कैसे बनता है सर? मेंबर बनने का संपूर्ण प्रक्रिया सर अब ऑनलाइन कर दी गई है, और इसमें सर ई पैक्स जो वेबसाइट है। कौन मेंबर हो सकता है सर? इसमें सर बिहार सहकारी नियमावली 1958 के नियम 8 के अनुसार सर उसमें अर्हता दी गई है। पहली अर्हता ये 18 साल की, दूसरी अर्हता है कि वो उसी पंचायत में निवास करते हैं। जो भूमिहीन है, जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो भी बन सकता है क्या? जी जी सर बिल्कुल बन सकता है। क्या तरीका है उसको बनने का, क्या करेगा सर? ई पैक्स वेबसाइट पे जाके वो अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और फिर उसमें कुछ अभिलेख मांगे जाते हैं जैसे आधार कार्ड आदि, वो उसमें प्रविष्टि कर देंगे। तो फिर वो प्रबंध समिति के लॉगिन पे आएगी, प्रबंध समिति उस पे फैसला लेगी कि उनको बनाना। आप नोवेल वगैरह पढ़ते हैं हिंदी का कि इंग्लिश का? सर ज्यादातर हिंदी में पढ़ा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है। एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखा है सर? ध्यान नहीं। इंग्लिश का किसका पढ़े सर? इंग्लिश में सर मैंने पढ़ा है जॉर्ज ऑरवेल का सर। जॉर्ज ऑरवेल किस तरह के लेखक हैं सर? एलिगरी का वो प्रयोग करते हैं, जैसे एनिमल फॉर्म में उन्होंने किया। पॉलिटिकल साइड में सर वो ज्यादा कैसा है, स्टाइल है, ह्यूमर है, क्या है सर? एक सर जैसे मैंने उनका एक ही कृति पढ़ा है सर, एनिमल फॉर्म, उसमें तो सर एक प्रकार से सैटायर कहा जा सकता है उन्होंने किया। इंग्लिश में एक ही पढ़े हैं? जी सर इंग्लिश में पढ़े। हिंदी में सर? इंग्लिश में सर अन्य लेखकों का पढ़ा, जॉर्ज ऑरवेल का सर एक ही पढ़ा है। नहीं, हिंदी में करें, हिंदी में किसका पढ़े सर? हिंदी में सर प्रेमचंद जी का ज्यादातर मैंने कृतियां पढ़ी है। कौन कौन सर? प्रतिज्ञा, वरदान, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि सब। निर्मला में मूल रूप से किस कुरीति के बारे में जिक्र किया गया है? सर महिलाओं के साथ जो परेशानी होती है मेन तो सर बेमेल विवाह है, उसी से सारी कुरीतियां शुरू होती है निर्मला में। और उसके अतिरिक्त सर दहेज भी है उसमें दर्शाया गया है, और विधवा समस्या भी दर्शाया गया है सर उसमें। और प्रेमचंद के अतिरिक्त किसको पढ़े सर? माफी चाहूंगा, प्रेमचंद के अतिरिक्त जी हाँ किसको पढ़े सर? फणीश्वर नाथ रेणु जी का मेला आंचल सर पढ़ा है, फिर धनवीर भारती का सर गुनाहों के देवता सर पढ़ा। अमीरी की कब्र पर जमी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है, कहाँ से लिया गया है सर इसकी जानकारी नहीं। गबन पढ़े हैं सर? गबन पढ़ा है। उसमें किस कुरीति के बारे में इंगित किया गया है सर? उसमें मध्यम वर्ग सर दिखावे में पड़ जाता है, एक कहानी तो मूल में ये चलती है सर। इसके अतिरिक्त सर उसमें जाति व्यवस्था में जो छुआछूत की बात होती है वो भी बात उसमें सर दर्शाई गई है। थैंक यू। सिद्धार्थ, कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य बताइए सर। कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उनका वित्त पोषण करके उन्हें एक विविधतापूर्ण उनका कार्य हो ये सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त जो और भी लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी उनको भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करना। ओके, क्या ये वित्तीय समावेशन में कहीं सहायक है क्या? जी सर, वित्तीय समावेशन में सर बहुत प्रोमिनेंट रोल है सर कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि सर ये। इसके अलावा बताइए वित्तीय समावेशन को जो है कोऑपरेटिव बैंक के अलावा किन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया सरकार ने वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने के लिए सर? पीएम समकक्ष बताइए जी सर। बिहार सरकार में तो सर जीविका एक अग्रणी योजना है सर। ये तो योजना है जी। इंस्टीट्यूशन बताइए, इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव बैंक है वैसे अदर इंस्टीट्यूशन भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जो अहम रोल निभाते हों सर? जो कमर्शियल बैंक है वो भी निभाते हैं सर। बैंकिंग कॉरस्पोंडेंस के माध्यम से पोस्ट ऑफिस सर निभाती है, उसकी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं सर। अच्छा, एक कोऑपरेटिव बैंक में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लाइसेंस को कंटिन्यूअस आरबीआई लगभग आप 5-6 महीने पर देखेंगे तो किसी न किसी स्टेट का जो शहरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा था उसके लाइसेंस को रद्द करते जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? आरबीआई और नाबार्ड के सर कुछ पैरामीटर्स बनाए गए, उनको अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो ससमय उन्हें नोटिस देने के बाद। पैरामीटर बताइए, क्या पैरामीटर ऐसा है सर? सर इसका सम्यक जानकारी तो सर मुझे नहीं है, लेकिन जैसे CRAR की काफी चर्चा होते रहती है, हम लोग देखते हैं, उसे मेंटेन करना होता है, या NPA की भी एक संख्या मतलब मात्रा देखते रहती है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ है सर? कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट में हो तो अच्छी बात है सर। उसके लिए नाबार्ड ने कुछ क्या उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है? कोऑपरेटिव बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का सर उद्देश्य प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों है सर। अच्छा, प्रॉफिट एंड वेलफेयर दोनों। लेकिन सर प्रॉफिट में जब बैंक होती है तो नाबार्ड जो उनका मूल्यांकन करता है उसमें उन्हें अच्छे नंबर देता है सर। उसके लिए भी उन्होंने मापदंड बना रखा है। ओके, बिहार में कृषि रोड मैप अभी कौन सा चल रहा है सर? चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। क्या है ड्यूरेशन इसका सर? इसका ड्यूरेशन सर 2022 से लेके सर 2026 तक सर, जहां तक मुझे ध्यान। ओके, क्या जो है इसको लागू करने का क्या उद्देश्य रहा है? क्योंकि कृषि रोड मैप 3 भी हाल ही में पूरा हुआ, फिर 4 आया, इसके पहले 2 चला था। ये कंटिन्यूअस ये जो है कृषि रोड मैप को रिपीट किया जा रहा है। तो ये चौथा वाला कृषि रोड मैप है वो तीसरे की असफलता की वजह से लागू किया गया कि ये तीसरे की सफलता की वजह से सर? तीसरी की सफलता से सर प्रोत्साहित होकर सर चौथा कृषि रोड मैप बनाया गया सर। और उसमें जो कमी रह गई उससे भी पूरा किया जा सकता है। क्या ऐसी कमी रह गई तीसरे में जो चौथे से हम पूरा कर सकते हैं सर? जैसे सर 2 ऐसी कमी बताइए सर। एक तो सीड वाली, बीज वाली मुझे ध्यान में आ रहा है बात कि इसमें बीज पे ज्यादा सर फोकस किया गया चौथे कृषि रोड मैप पे कि बीज अलग अलग वैरायटी के प्रदान किए जाए और उनके डोर तक पहुंचाया जाए सर। इसके अतिरिक्त सर जो मोटे अनाज हैं सर उस पे इस बार ज्यादा फोकस किया गया है, धान और सर गेहूं और मक्के में और प्रॉब्लम जो है इन रोड मैप में नहीं दिखता आपको सर, और इसके अलावा सर चौथे में सर जो और व्यवस्था की है सर उसकी बात सर कृषि संयम की चुनौतियां बताइए, क्या प्रमुख चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा चौथे रोड मैप को भी, तीसरों को भी वही सामना करना पड़ा था सर। सबसे बड़ी चुनौती सर जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, जो प्रॉब्लम्स है वह मौलिक वो है। उदाहरण के तौर पे सर जो टेक्नोलॉजी का इंफ्यूजन है वो मुश्किल है। क्या कहीं फंड की डिफिशिएंसी भी है क्या सर? फंड सर एग्रीकल्चर इतना बड़ा क्षेत्र है सर, फंड की तो डिफिशिएंसी रहेगी, लेकिन सर और भी चुनौतियां हैं सर। फंड ऑपरेशन अजय क्या है सर? ऑपरेशन अजय के तहत सर जो इजराइल में जो फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा सर? ऑपरेशन गंगा सर जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय थे उन्हें वापस लाने, यूक्रेन में, यूक्रेन और रूस संकट के दौरान जी सर है ना। ओके, यूलिप के बारे में बता सकते हैं, यूलिप क्या है? सुना आपने इसके बारे में कभी सर? सर क्या यूलिप से सर आशय, यूलिप प्लान है जी जी सर। हाँ क्या है ये सर? लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है, लेकिन सर पूर्ण जानकारी नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। कब है आपको ओरिजिनल इंटरव्यू सर? 18 को। ठीक है, आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं, पहले भी आपने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, तो जो प्रेजेंटेशन वाले पैरामीटर्स हैं वो सारे ठीक हैं। मेजर इंटरव्यू आपका रहेगा आपके जॉब के आसपास और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहीं पे, हमने भी कोशिश की उसी के आसपास रखने की, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपने थोड़ा सा अपनी हॉबी को और देख लीजिएगा। जो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर तो आपने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश जो भी मेजर है थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेस्ट ठीक, एवरीथिंग इज गुड।